من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقال الذين كفروا إن هو إلا إفك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اقتطبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا صلوات یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. سورہ فرقان کلام مجید کا 25 سورہ ہے, سورہ نور کے بعد اور سورہ شعراء سے پہلے. اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ معارف قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور فضائل قرآن, حقائق قرآن پر اس سورے میں بسیط گفتگو ہے. ابتدائی سورے ہی میں یہ آیت ہے, غالباً یہ چوتھی آیت ہوگی. ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کو سن کر کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تہمت ہے, یہ بہتان ہے, یہ افترا ہے, یہ وحی نہیں ہے, یہ کسی خدا کا کلام نہیں. یہ اس لانے والے نے دروگوئی کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے. ان ہوا الا افک افتراہ, یہ افترا پردازی ہے, تہمت ہے. اس نے ایک سازش کی ہے اور ایک کلام کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. وہ اعانہ علیہ قوم آخرون, اور ایک اور قوم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل اس کی مدد کیے جا رہی ہے.
वो قال الذين كفروا काफिर कहते हैं। सूरह फुरकान मक्की सूरह है, कुरान उतर रहा। काफिर कहते हैं कि ये इफ्तरा है, ये अकेले का काम नहीं है, एक कौम इसकी मदद कर रही है। वो आउनहु अलैह, और उस पर इआनत है एक और कौम की जो उसके साथ है। वो कालू, और ये भी कहा, असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा, ये गुज़िश्तगान के किस्से हैं, यही कौम उसको लिख के देती है। ये तहरीर में आ जाते हैं ये किस्से, वही तुमला अलैह बुकरतम व असीला, और लिखने वाले सुबह शाम उसको पढ़कर ये किस्से सुनाते जाते हैं। वो वहां सुनता है और हमसे बयान करता है। ये कुरान पर एक ऐसी जामع गुफ्तगू है कि जैसे ही ये नाजिल हुआ, वो रद्द अमल, वो रिएक्शन जो मक्के वालों पर हुआ, वो अजीब गरीब था। मक्के वाले अपनी जाहिलियत के पूरे अदब के साथ, जिसको मुकज़रमी अदब कहते हैं, उस पूरी कुव्वत के साथ ये तो न बतला सके कि बयान होने वाली आयतों में इतनी गलतियां हैं। ये अदब की गलती है, ये मंतिक की गलती है, फसाहत के एतबार से ये गलत है, बलागत के एतबार से ये गलत है, मुहावरे अदब अरब के एतबार से ये गलत है। इस तरह से अरब वाले नहीं कहते, ये तो न कह सके, कहा ये इफ्तरा है। और एक कौम का ताबुन है, एक कौम का ताबुन है, वो कौम काफिर नहीं है। काफिर ये कहते हैं कि ये इफ्तरा है और एक कौम की इयानत है। वो कौम उन काफिरों में शरीक नहीं है जो एतराज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये कि इसको लिखा भी जाता है, वो कौम वाले उसको लिखते हैं, यानी किताबत भी उस कौम में है, वो कौम लिखना पढ़ना भी जानती है। असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा, वही तुमला अलैह बुकरतम व असीला, लिखते हैं और सुबह शाम उस पर पढ़ते हैं, और वो पढ़ी हुई बातों को फिर हमारे सामने सुनाता है और ये कहता है कि ये कलाम हक है। वक्त गुजरा, जमाना बदला, वही काफिर मुसलमान हो गए, वही काफिर मुसलमान हो गए। लेकिन इस इस्लाम के बाद उस कौम का जा सका जो इन काफिरों के इस्लाम लाने से पहले इआनत रसूल की पाबंद थी। इआनत रसूल पर मुसिर थी, उस कौम के मुतालिक फिर गुफ्तगू नहीं हुई। मुफस्सरीन के लिए भी हैरत का मकाम था कि इस आए वाफी हिदाया ने रसूल के मुआविनीन के एक गुरोह को पेश किया है कि वो रसूल की मदद करते थे। काफिरीन को धोखा ये है उन मुआविनीन पर कि कुरान उन्हीं का कहा हुआ है, यानी उन मुआविनीन के ज़ौक अदब की दाद इस तरह से मिल रही है, उनकी मारफत लुगत पर सनद यह है
कि अगर वो कह रहे हैं तो उसमें कोई आयब निकाला नहीं जा सकता, मगर ये कि ये कहना कि ये अल्लाह का कलाम है ये इस तरह है। आउनहु अलैह कौमुन आखरून, एक कौम है जो उसकी एआनत किए जा रही है, लिख लिख कर देती है। इस मौके पर दो बातें समझ में आई, वो ये कि नुज़ूल कुरान के वक्त हम यकीनन एक उस हस्ती का तो तारुफ करवा सकते हैं कि जो कुरान को पढ़ रहा है, सुना रहा है, उन हस्तियों का भी तारुफ हो सकता है जो रसूल की मदद कर रहे थे। एक है खुद कुरान और एक है वो काफिरों का गुरोह जो तस्लीम नहीं करता। जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था और कुफार एतराज कर रहे थे, एक कौम ने यह तहैया कर लिया था कि हम इस कलाम को, इस इरशाद को बहर सूरत आवाम तक पहुंचाएंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसके मियार को बुलंद हम देखेंगे और अगर जरूरत पड़े उसकी बका के लिए तो किसी कुर्बानी से दरेग न करेंगे। ये एआनत का मफहूम है कि एआनत एक कौम किए जा रही थी, उस एआनत की कुव्वत ये थी कि काफिर आजिज थे। यानी ये नहीं कि हमने उस कौम को खत्म कर दिया, ये नहीं कि हम उस कौम को तमाम कर देंगे, ये नहीं कि हम उस कौम को हमेशा के लिए कत्ल कर देंगे, नहीं, मजबूरी भी है कि इफ्तरा है, कोई कौम मदद कर रही है। पूरे काफिर एक तरफ है, जहां हलफनामे हैं, जहां एक कबीला दूसरे कबीले का हलीफ है, जहां तमाम अपने आप को मुआहिद समझते हैं, मुआहिदों के साथ दोस्ती है, लेकिन यह कौम ऐसी है कि जिसके साथ न किसी का हलफनामा है, न किसी का मुआहिदा है, न किसी ने नुसरत का वादा किया है, न किसी ने मदद के लिए ऐलान किया है कि हम मदद करेंगे, मगर फिर भी वो कौम इतनी कवी है कि मुत्तहिदा तौर पर काफिरों की कुव्वत उस कौम को एहानत रसूल से रोक नहीं सकती। ये एक मंजिल फिक्र। इस मकाम पर कुरान मजीद ने जब इस लफ्ज का तस्किरा कर दिया कि कोई रसूल की मदद कर रहा था उस वक्त जबकि काफिर एतराज कर रहे थे, तो आप नाम पहला कौन सा लेंगे? उस कौम के लिए अगर कोई गुरोह है, कोई मुआशरा है, कोई अंजुमन है, कोई जमा की तैदाद है, तो पहला नाम किसका होगा? पहला नाम होगा अबू तालिब का। अबू तालिब उस कौम में से है। वो कौल अल्लज़ीना कफरू इन हुवा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व आउनहु अलैह कौमुन आखरून। एक कौम है जो रसूल की मदद कर रही है, अव्वलुल कौम अबू तालिब। के जो एआनत करे रसूल की बहर कीमत, और काफिर ये जान लें, यकीन कर लें कि इस एआनत के बाद हम रसूल का कोई नुकसान नहीं कर सकते, वो अव्वलुल कौम में वो पहली शख्सियत अबू तालिब की है कि जिसने एआनत, इसलिए कि इस कौम के साथ ये तारीफ कुरान ने नहीं की कि यह कौम ईमान वालों की है, इस्लाम वालों की है, या काफिरों ने भी यही नहीं कहा है कि वो कौम जो मुसलमान हो चुकी थी
या वो कौम जो ईमान ला चुकी थी, यानी उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी काफिरीन को। क्यों? इसलिए कि वो न इस्लाम की अहमियत उनके पास थी, न ईमान की अहमियत उनके पास थी, उनके पास एआनत रसूल की अहमियत थी। उनके पास एआनत रसूल की अहमियत थी कि यह है मददगार, यह है मुआविन रसूल। कुफारे मक्का के पास उनकी एआनत वो सिफत थी कि जिस सिफत की बिना पर वो उस कौम को उस मुमताज मकाम पर देख रहे थे कि जहां उनको शुभा हो रहा था कि यह कुरान इनका कलाम है या उस लाने वाले का कलाम है या खुदा का कलाम है। एआनत कर रहे हैं, लिखने में मदद कर रहे हैं, बोलने में मदद कर रहे हैं, समझाने में मदद कर रहे हैं, असातीरुल अव्वलीन को पढ़कर सुनाने में मदद कर रहे हैं। ये कुरान का मफहूम है, ये सूरह फुरकान की आयत है, इस पर नजर रखिए, निहायत जरूरी आयत। ये पहली मरतबा कुरान ने एक कौम के तसव्वुर को पेश किया एआनत रसूल के साथ, पहली सूरह फुरकान। दूसरी मरतबा फिर कौम के तसव्वुर को कुरान ने पेश किया सूरह माईदा में, और वहां भी एक अजीब अहमियत के साथ, और वो ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। वहां काफिर कहते हैं कि ये इफ्तरा है रसूल की तरफ, यहां किताब है साहेबान ईमान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो मुर्तद हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाए, या सबके सब अगर तुम मुर्तद हो जाओ। ये दोनों कुव्वतों को देखेंगे आप बात के जुमले में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, खुदा एक कौम को लाएगा, खुदा एक कौम को लाएगा, उसकी तारीफ यह होगी युहिब्बुहुम वो युहिब्बूनहु, वो खुदा को दोष सकती होगी, खुदा उस कौम को दोष सकता हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। उनकी सिफत यह है कि साहिबान ईमान के सामने वो खुजू व खुशू के साथ होंगे, कुफ्र वालों के लिए वो सरबुलंद होंगे, वो मकाम उलू पर होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे। अब इस कौम की तारीफ सुनिए, यानी दूसरे मकामात पर जब मोमिन की तारीफ शुरू होती है तो वो नमाज के कायम करने वाले हैं, वो जकात के देने वाले हैं, वो गैब पर ईमान लाने वाले हैं। यहां जब इर्तदाद की तरफ जाने वाले मुसलमानों या मोमिनीन से खिताब होता है कि अगर तुम मुर्तद हो गए तो हम एक ऐसी कौम को लाएंगे जहां न नमाज की गुफ्तगु है, न रोजे की गुफ्तगु है, न ज़कात की गुफ्तगु है। गुफ्तगु यह है कि वो ऐसी कौम होगी जिस कौम को खुदा दोस्त रखता होगा, जो कौम खुदा को दोस्त रखती होगी वो काफिरों के सामने सरबुलंद होंगे, मोमिनीन के सामने खुजू व खुशू के साथ सरनिगू होंगे। उनकी सिफत यह होगी कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। और आखिरी सिफत यह, लाओ यखाफून लौमत लाइम, जिनको कोई मलामत करने वाले की मलामत डरा ना सके। आयत खत्म हुई, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। ये अल्लाह का फजल है जिसको खुदा दे, यूतीहि मन यशाउ वो खुदा जिसको अता करे।
वल्लाहु वासिउन अलीम, खुदा इल्म वाला है, वुसअत देने वाला है, फिक्र में, शऊर में, सोचने के तरीकों में, इल्म में, वल्लाहु वासिउन अलीम। यह दूसरा मकाम है जहां यह बतलाया गया कि हम एक कौम को लाएंगे, एक वो कौम जिसने इहानत रसूल की, एक वो कौम के जो उस आलम इर्तदाद में जरूरत बन जाएगी कि जिसका आना जरूर है, जिसका आना जरूर है। और इसके बाद एक अजीब मंजिल पर अपना तारुफ करवाते हुए अमीरुल मोमिनीन ने यह इरशाद फरमाया, अपना तारुफ करवाते हुए, बगैर आपका वक्त लिए और बगैर किसी सोबत फिक्री के, अपना तारुफ करवाते हुए अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इन्नी लमिन कौमिन, मेरा ताल्लुक उस कौम से है, ला ताखुज़हुम फिल्लाह लौमत लाइम, जिसको किसी मलामत करने वाले की मलामत डरा नहीं सकता। इन्नी लमिन कौमिन ला ताखुज़हुम फिल्लाह लौमत लाइम, सीमाहुम सीमा सिद्दीकीन, उनकी पेशानियां सत्तों की पेशानियां, कलामहुम कलामुल अबरार, उनका कलाम नेकों का कलाम है, उम्मारुल लैल मनारुन नहार, वो रात को इबादत में गुजारने वाले हैं, दिन को हिदायत के मनार हैं। इन्नी लमिन कौमिन ला ताखुज़हुम फिल्लाह लौमत लाइम, सीमाहुम सीमा सिद्दीकीन, कलामहुम कलामुल अबरार, उम्मारुल लैल मनारुन नहार, यहजूना सुनन अल्लाह व सुनन रसूल ही, वो जिंदा करते हैं सुन्नत इलाही को और सुन्नत रसूल को, हयात ताजा देते हैं, ला यालून ला यगुल्लून ला यस्तकबरून, गुरूर नहीं करते, गुलू नहीं करते, बेजा ताली नहीं करते, मेरा ताल्लुक उस कौम से है। आखिरी जुमला, कुलूबहुम फिल जिनान अजसादहुम फिल अमल, उनके दिल जन्नतों में है, उनके जसद जिंदगी में काम में मसरूफ, कुलूबहुम फिल जिनान, यकीन का यह आलम है, यकीन का यह आलम है कि दिल जन्नत के साकिन है, इताअत का यह आलम है कि हुक्म से सरताबी ना हो, अमल में मसरूफ है, कुलूबहुम फिल जिनान अजसादहुम फिल अमल, इन्नी लमिन कौमिन, मेरा ताल्लुक उस कौम से है, उस कौम से है जहां फर्द अव्वल अबू तालिब, मेरा ताल्लुक उस कौम से है कि जहां खुद वो एक रुकन। अब इस सतह पर अगर इस कौम को आगे बढ़ना है, सतह अबू तालिब से अगर आगे बढ़ना है, सतह अली से अगर आगे बढ़ना है, तो फिर अफराद के ढूंढने में, इंतखाब नहीं कहता, अफराद को तलाश करने में किस बसीरत की जरूरत हो कि इस मेयार को सामने रख के आप उस कौम के आदात को मुकम्मल कर सकें, और यह देखें कि किस तरह से और कहां जाकर यह कौम मुकम्मल होती है। मगर अब इसके कि एक मर्तबा आप अफराद कौम को ढूंढते हुए चलें इस मेयार पर, फिर जरा कुरान मजीद में एक और मंजिल पर आपकी निगाह को जम जाना चाहिए, और वो ये है कि यही कुरान, यह सूरह यूनुस है, सूरह यूनुस कुरान मजीद का 10वां सूरह, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यनातिन, जब यही कुरान की आयतें इन काफिरों के सामने पढ़ी जाती हैं, अल्लज़ीना ला यर्जूना लिकाना, तो वो कहते हैं कि जो यकीन नहीं रखते हमारी मुलाकात पर, यानी जो यकीन नहीं रखते अपनी बाज़गश्त पर, जो यकीन नहीं रखते महशर, قال الذين لا يرجون لقاءنا تبع قران غير هذا او بدله, उनकी दो ख्वाहिशें हैं,
रसूल से मिलते हैं, रसूल के पास आते हैं, रसूल के कुरान को सुनते हैं और कहते हैं हमारी दो ख्वाहिश, किसी एक ख्वाहिश को मान लीजिए या कोई दूसरा कुरान लाइए। ऐसे बेकुरान गैर हाज़ा, या कोई दूसरा कुरान लाइए, औ बदलहु, या इसको बदल दीजिए। ऐसे बेकुरान गैर हाज़ा औ बदलहु, या आप कुरान दूसरा लाइए या इसको बदल दीजिए। कुल कह दो मा यकून ली अन युबदिलहु, कुरान तो दूसरा आ नहीं सकता और न मेरा यह अख्तियार है कि मैं इसको बदल दूं। इन अत्तबे इल्ला मा युहा इलैया, मैं वही का पाबंद हूं, मैं वही का पाबंद। अब इस मकाम पर मुफस्सरीन ने अपनी पूरी कुव्वतों को आजमाया और यह बतलाने की कोशिश की कि ये दोनों उमूर सिर्फ कुरान ही से मुताल्लिक हैं जो कुछ है। लेकिन उन्होंने दो ख्वाहिशें की और यह कहा कि या तो दूसरा कुरान चाहिए, दूसरा कुरान चाहिए, कुरान गैर हाजा जो ये नौ, औ बदलहु, या उसको बदल दीजिए। उसको बदल दीजिए जो कुरान का मुहाफिज हो, उसको बदल दीजिए जो कुरान का मुआविन हो, उसको बदल दीजिए कि जिसने ये तय कर लिया हो कि अब कुरान बहर सूरत कयामत तक जाएगा, उसको बदल दीजिए जो हमारी सारी कुव्वतों को कुचल देने वाला है, उसको बदल दीजिए जिसको हम आने वाहिद के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको बदल दीजिए कि जिसके लिए आपके बाद हम इन दो बातों को एक घर में जमा नहीं होने देंगे। बदल हूं, बदल दीजिए भैया। इस लफ्ज बदल हूं पर अब हम गौर करते हैं। इरशाद हुआ कि यह इंसानी फितरत का तकाजा है कि इंसान नेमतों का जब आदी हो जाता है तो वो उदास हो जाता है, थक जाता है, सरफे नेमत से कुछ बेजार सा हो जाता है, चेंज चाहता है, तब्दीली चाहता है, तगय्युर तुम ही थे। इस कुल तुमने कहा था, अरे यहूदियों तुमने कहा था, इस कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, तुमने कहा था मूसा इस एक खाने पे तो सब्र नहीं कर सकते, ये सर पे अब्र का साया और मन्नो सलवा का मुसलसल नुजूल, शेर हो गए, जी भर गया, बस लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, فَدْعُ لَنَا رَبَّكْ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا, دعا کرو, ترکاری چاہیے, پیاز چاہیے, لہسن چاہیے, دالیں چاہیے اور ترکاریوں کے اور نام, یہ چاہیے. आवाज आई, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, क्या तुम लोगों ने यह तय कर लिया है कि खैर को अदना से बदल दोगे, क्या तुमने यह तय कर लिया है कि खैर को अदना से बदल दोगे। बदलना फितरत इंसान है, तगैयुर फितरत इंसान है, नेमत से जी भर जाता है तो उसको यह ख्याल नहीं रहता कि और कुछ नेमत को चाहूं, बल्कि वो उसकी नजर अदना पे जाती है, अदना पे जाती है, खैर को छोड़ देता है। यह है सूरह बकरा, सूरह बकरा की एक और आयत जिसने इस आयत को और साफ कर दिया। अम तुरीदूना, बहुत गौर से सुनिए, अम तुरीदूना ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, کیا تم بھی اب یہ طے کر چکے ہو کہ وہی سوال کرو گے اپنے رسول سے جو سوال موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کیا تھا.
ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى, کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب اپنے رسول سے وہی کہو گے جو موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا تھا, تم کہو گے وہ تم جس کے کوئی من و سلوا تو نازل نہیں ہوا. تم کس چیز کو بدلنا چاہتے ہو؟ وہاں تو من و سلوا کو بدل دیا گیا اور آواز دی گئی کہ ادنا کو پسند کرو گے اعلیٰ کے مقابل میں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا, سنو وَمَنْ, دیکھیے, اَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ, کیا تم ارادہ کر چکے ہو کہ تم اپنے رسول سے وہی سوال کرو گے جو سوال موسیٰ سے کیا گیا تھا اس سے پہلے؟ اور اس کے ساتھ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, سن لو, جو ایمان کو کفر سے بدل دے اس نے برا راستہ اختیار کیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ, جب ہم آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ جو محشر کے یقین نہیں رکھتے محشر پہ, وہ کہتے ہیں یا قرآن دوسرا لائیے یا اس کو بدل دیجئے. اب وہ کوئی ہو کوئی ہو, اگر بدلنے کا سوال امت محمدی نے کیا ہے, وہ کچھ بھی صحیح تو اسی طرح سے کیا ہے جیسے امت موسیٰ نے کیا تھا. اور جب امت موسیٰ نے کیا تھا تو حکم یہ ملا تھا کہ دیکھو جس چیز کو بدلنا چاہتے ہو, جس چیز سے تم پسند کر رہے ہو ادنا کو, ہم نے پسند کیا تھا خیر کو. اور یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ تم پسند کر رہے ہو ادنا کو, بلکہ یہاں امت رسول سے کہا جا رہا ہے تم بدلنا چاہتے ہو. اچھا, تو تم چاہتے ہو کفر ایمان کے بدلے؟ وہاں من و سلوا خیر ہے, وہاں من و سلوا خیر ہے. فوم ہو, ادس ہو, دسل ادنا ہے, یہاں کفر معلوم, ایمان کیا ہے نہیں معلوم. دیکھیے میں نے ایک عجیب بحث کی ہوتی ہے, یہاں کفر معلوم کہ کفر کے معنی چھوڑ دیا رہے ایمان کو, ایمان کی حقیقت نہیں معلوم کہ آخر یہ قوم کیا سوال کر رہی تھی رسول سے کہ جس کی بنا پر یہ کہا گیا تم اسی طرح سے سوال کرو گے اپنے رسول سے جیسے موسیٰ کی امت نے کیا تھا. تو سنو, جو ایمان کو کفر سے بدل دے فقط ضل سواء السبیل, اس نے گویا راستے کو کھو دیا, برے راستے کو اختیار کیا. اور سنو, ذات حق کی تعریف یہ ہے, لا يبدل القول لدي وما انا بظلوم للعبيد, میرا قول بدلتا نہیں ہے, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں, میرا قول نہیں بدلتا. اور ظالم کون ہے؟ وہ بدل الذین ظلموا قول الذی قیل لهم, اور ظلم کرنے والے وہ ہیں کہ انہوں نے اس قول کو بدل دیا جو ان تک پہنچایا گیا تھا. اس سلسلے بحث کو سنیے, سورہ قصص. اور قول کیا چیز ہے؟ جب انبیاء کا تذکرہ ہوا, لقد ارسلنا رسلنا تترا, ہم نے لگاتار رسول بھیجے, ارشاد ہوا لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون, ہم نے قول میں وصل دے دیا, اس میں انتشار نہ آنے پائے, اس میں اختلاف نہ ہو, اس میں کسی مقام پر بریک نہ ہو, کسی مقام پر قول رکنے نہ پائے, مسلسل جائے. یہ ہمارا قول ہے, لا يبدل القول لدي, میرا قول بدلتا نہیں ہے. جس کا قول بدلتا ہے وہ ظالم ہے, جو آج کچھ کہے کل کچھ کہے وہ ظالم ہے. جہاں قول میں تسلسل ہو, اگانگت ہو اور مربوط ہو قول, وہاں عدل ہے, ظلم نہیں ہے, میرا قول بدلتا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر کسی قوم نے کافر موسیٰ کی امت ہو یا ختم مرتبت کی امت, یہ طے کیا کہ اب ہم اس کو بدل دیں گے,
अब हम इसको बदल देंगे तो वो कुरान सही या मुहाफिज कुरान, वो कुरान सही या निगहबान कुरान, दोनों सूरतों में भी नेमत का बदलना है। बहुत गौर से सुनिए, नेमत का बदलना है और नेमत के बदलने का अंजाम अलम तरा इल्लज़ीना बदलू नेमत अल्लाह कुफरा वो अहल्लू कौमहुम दारल बलार। हबीब तूने देखा कि इन्होंने नेमत इलाही को कुफर से बदल दिया, नतीजा ये हुआ कि पूरी कौम को जहन्नम के किनारे पर पहुंचा दिया। अलम तरा इल्लज़ीना बदलू नेमत अल्लाह कुफरा, इन्होंने नेमत इलाही को कुफर से बदल दिया, कुफर से बदल दिया, पूरी कौम को जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो पता ये चला कि कुरान की तब्दीली, कुरान का तगीर पहले दिन का तकाजा था, पूरा ना हो सका, पूरा ना हो सका। और जब वो पूरा ना हो सका तो दिल में एक हसरत रह गई कि कम से कम इस मौजज़े को इतनी मोहलत मिले, इतनी फुर्सत मिले हमको कि इस मौजज़े को जिस तरह से चाहें, जिस तावील के साथ चाहें हम पेश कर सकें। लेकिन वो एआनत करने वाली कौम ने यह आज़म कर लिया था कि फकत रसूल के साथ नहीं, कयामत तक कुरान के साथ साथ भी रहेंगे। ताकि किसी को अपने मतलब के साथ कुरान को ढालने, अपने मतलब पर कुरान को मोल्ड करने का मौका न मिले, मौका न मिले। इसलिए कि जब वो कुफार की कुव्वतें थीं तो उनके पास लश्कर भी था, अस्कर भी था, माल भी था, दौलत भी थी और जमीन भी थी। उस वक्त जो कौम थी उसके पास न लश्कर था, न माल था, न अस्कर था, मगर कोई कुव्वत थी, मगर कोई कुव्वत थी जिससे कुफार की कुव्वत आजिज थी। अब यह कौम कयामत तक जाएगी तो इसको न हुकूमत की जरूरत है, न खिलाफत की जरूरत है, न रियासत की जरूरत है, न जमीन पे इख्तदार की जरूरत है। यह है और कुरान की हिफाजत। भाई अब इन मसाइल पे काफी गौर खौफ की जरूरत है। गालिबन आपको याद होगा कि अपनी यह गुज़िश्ता तकरीर में मैंने सूरह बरात से गुफ्तगू की थी। मैंने उस सिलसिले को आज नहीं छोड़ा है, हालांकि वो मजमून तशना था। परसों इतवार की मजलिस में सुबह को मैं फिर उस सिलसिले पर गुफ्तगू करूंगा, मगर आज जो गुफ्तगू छिड़ गई है उसको किसी मंजिल पर पहुंचना है, किसी मंजिल पर पहुंचना है। और वो मंजिल यकीनन आपके लिए फिक्र की वो मंजिल होनी चाहिए कि जहां से आप दूसरों की रहबरी करें और खुद आप गौर करें। इसलिए कि जो कुछ कहा जाता है वो एक कलील से वक्त में इतना नहीं होता कि मुहित हो सके पूरे सब्जेक्ट पर, पूरे मौजू पर। इस तरफ यह कोशिश है कि अब कुरान तो आ गया, अब इसको ढालना है, अपने मिजाज के मुताबिक ढालना है, अपनी तबीयत के मुताबिक ढालना है, अपनी पसंद और नापसंद पर ढालना है, अपने फैसलों के मुताबिक बनाना है। और उधर वो एआनत करने वाली कौम जो इन मुसलमानों के हालत कुफर में मुआविन थी रसूल की, उसने यह तय कर लिया कि बहर सूरत इस कुरान को तन्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता, तन्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता है, हम भी साथ साथ, हम भी साथ साथ हैं, चले चलो, चले चलो। और उधर से यह आवाज कि इस घर में दो चीजों को जमा होने नहीं देंगे, इस घर में दो चीजों को जमा होने नहीं देंगे कि नबूवत भी आए और खिलाफत भी। मगर ये नहीं जानते थे कि नबूवत तो कभी के खत्म हो गई, जमा होने का सवाल क्या है। अगर नबूवत भी सिलसिले से चलती तो आप कहते नबी के बाद नबी आया, इसलिए इस घर में अब खलीफा नहीं होना चाहिए। मगर ये जान रहे थे कि इस कौम में वो एक के पास नबूवत का आना इस पूरी कौम के अफराद को अनफुसना की मंजिल पर फाइज करेगा।
और ये सब नफ्स रसूल होंगे। मेरे इशारे को आप समझ सके, मैं उसको समझाऊं। नफ्स मासूम है, बहुत से हजरात सुन चुके हैं, मगर जो समझना चाहें। तंग किया, तंग था दरबारे मामून ने। मामून ने अली इब्न मूसा रजा से कहा कि अगर आए मुबाहला से अपना अना को हटा लिया जाए तो आपका क्या मकाम होगा। फरमाया वही जॉब है। अच्छा, तो आपको निशाना पे नाज है। गुफ्तगु समझ रहे हैं? अपना अना को अगर हटा लिया जाए तो आपका क्या मौकफ होगा, महल इफ्तिखार क्या है। आपने अच्छा तो मैं हटा लो। अच्छा, तो निशाना पे आपको नाज है। क्यों? इसलिए कि दादी आ रही है ना। तो कहा उसको भी हटा लो। तो उस वक्त मामून ने कहा फिर अनफुसना, पर मैं वही काफी है, वही काफी है। यानी अव्वल से लेके आखिर तक हर एक नफ है, हर एक नफ्स की मंजिल पर फाइद है। बहुत गौर से सुनिए, ये वही बहस थी, या तुम अदा करें इस पैगाम को या वो जो तुम से हो। या युवती अनका इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। मकाम नफ्स पर अनफुसना, हम सब अनफुसना। तो इस अनफुसना के सिलसिले में, इस अनफुसना के सिलसिले में यह देखकर कि अगरचे नबूवत एक ही के पास थी, मगर सबके लिए, सबके लिए मीरास इल्म की वजह से महल इफ्तिखार वही नबूवत है। मेरे अल्फाज का बहुत, मीरास इल्म के एतबार से महल इफ्तिखार वही नबूवत है। इसलिए नबूवत को तो रहने दो इस घर में, खिलाफत को आने नहीं देंगे, इसलिए कि ये एग्जीक्यूटिव पावर है और इस एग्जीक्यूटिव पावर को हम इस्तेमाल करेंगे, हम अपने पास रखना चाहते हैं। जाहिर है कि ये पावर इस्लाम में हमेशा इतना मोहित रहा है कि अपने जोर से, असर से, रौब से, कुव्वत से, इख्तदार से जिस तरह से चाहे कुरान के मफहूम को पेश कर दे और मनवा दे। मगर इसके बावजूद, इसके बावजूद ऐसा मालूम होता है कि यह गुफ्तगू करने वाले अपनी उस कुव्वत को, अपने उस इख्तदार को उस मंजिल बुलंद पर न पहुंचा सके कि जो मंजिल बुलंद मुसलमानों के लिए मरकज निगाह थी। बड़ी कोशिश की और कहा कि हम खलीफतुर रसूल भी हैं, हम अरब भी हैं, हम कुरैश भी हैं, हम रिश्ते में करीब भी हैं, हम सोहबत से असरंदोज भी हैं, हम साथ भी रहे हैं और हमने जिंदगी का एक बेहतर हिस्सा उस सोहबत में गुजारा है जहां से हमने फ्यूजात को हासिल किया है। इसलिए हमको हक है मानी व मफाहिम को पेश करने का। कौम ने कहा जब तक जियो पेश करो। भाई बहुत सुनने के काबिल, जब तक जियो पेश करो हम फैसला नहीं देंगे। फैसला तो हजारों बरस बाद आने वाला मुसलमान देगा कि तुम्हारा असर व नुफूज कितना है और उस कौम का असर व नुफूज कितना है। मैं समझता हूं कि गुफ्तगू उस मोड़ पर है कि जहां से तवालत कलाम को रोकते हुए मैं आपके कुव्वत फैसला पर इस मजमून को छोड़ूं और आप उस पर गौर करें। लेकिन चूंकि अब गुफ्तगू यहां पहुंची कि
तुम जियो, इस्तेमाल करो इस कुव्वत, फैसला बाद में होगा। इसलिए कि इस्लाम वो दीन है कि जिस दीन का नासिफ करने वाला ये कहता है इन्ना यौमन इंदा रब्बका अल्फ सनत मिम्मा तउदून, तुम्हारे हजार बरस अल्लाह का एक दिन। इसलिए फैसले में जल्दी नहीं है, जिए जाओ जिए जाओ, रहे तुम्हारे हाथ एग्जीक्यूशन, कुव्वत आमिला तुम्हारे पास रहे। चलो कब तक? 11 हिजरी, 36 हिजरी, 36 हिजरी, कुल 25 साल, कुल 25 साल। और 25 साल में भी एक वो दौर के मुंतखब करने वाले ने फिर मुड़ के मुंतखब होने वाले की सूरत नहीं देखी और कहा हाय मैंने गलती, हाय शूरा में मैंने गलती, ये मैंने क्या किया। लोगों ने कहा औफ के बेटे ये आपने क्या किया, का क्या बताएं, बस हो गई गलती, अब हम उनसे गुफ्तगू नहीं करते। इस मंजिल पर 36 हिजरी से पहले ही इस्लाम पहुंच गया, अब इसके बाद गुफ्तगू नहीं करते। बहुत गौर से सुनिए, इन्हें ये जुमले महफूज करने के काबिल है, हम गुफ्तगू नहीं करते। कौन? उठने वाले, बैठने वाले, साथ रहने वाले, चुनने वाले का हम गुफ्तगू नहीं करते। जमाना बदल गया, आगे बढ़ गया और अब हम 1386 के खात्मे पर हैं। और अब ये आलम है कि फकत खिलाफत, फकत फकाहत, फकत शरिया, फकत तरीकत नहीं, अब गुफ्तगू कुछ और हो गई। बहुत गौर से सुनिए, अब गुफ्तगू कुछ और हो गई। अब तो आलम यह है कि ख्वाजा चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा कलियर, ख्वाजा संजर, ख्वाजा पंदेनवाज केसुधरा का हम गुफ्तगू नहीं करते। जमाना बदल गया, आगे बढ़ा और अब हम 1386 के खात्मे पर हैं। और अब ये आलम है कि फकत खिलाफत, फकत फकाहत, फकत शरिया, फकत तरीकत नहीं, अब गुफ्तगू कुछ और हो गई। बहुत गौर से सुनिए, अब गुफ्तगू कुछ और हो गई। अब तो आलम यह है कि ख्वाजा चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा कलियर, ख्वाजा संजर, ख्वाजा पंदेनवाज केसुधरा, बाबा ताजुद्दीन औलिया, बाबा शरफुद्दीन, अमीर खुसरो, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, ये कुछ ऐसे नाम तारीख में आए जहां फर्क खिलाफत भी, शरीयत भी, फकाहत भी, जज्ब भी, वजद भी, रक्स भी, दिल का ताल्लुक भी, और फिर दिन और रात का वजीफा भी, और इस शान का वजीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबा ताजुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाबा ताजुद्दीन और रहमानिर्रहीम, बाबा ताजुद्दीन। यानी खुद बाबा ताजुद्दीन ने सुन के कहा अरे अपनी नमाज को क्यों तबाह कर रहे हो, तो उन्होंने कहा इतना ताल्लुक आपकी जात से हो गया है तो मैं पूछ रहा हूं मिल्लत से कहां गए वो। भाई जिनके लिए यह हंगामा आ रही है कि आप एहतराम नहीं करते, जिनके लिए हमसे यह कहा जाता है कि आप एहतराम नहीं करते, मैं पूछता हूं एहतराम तो उनका हमारे सर आंखों पर, मगर मैं मिल्लत बैदा से पूछ रहा हूं कि मिल्लत बैदा ने एहतराम की क्या सूरत अख्तियार की है। आप सुन रहे हैं, ख्वाजा अजमेरी का नाम जिस एहतराम के साथ किया जाता है और हर मुसलमान के दिल को जितना उनकी जात से रब है, क्या इतना ही रब हर मुसलमान को उस एग्जीक्यूशन की कुव्वत से भी है? उस 36 बरस के दौर से भी है? हुज्जत पर आ जाए तो कहें कि आपने गलती की, आपने एहतराम नहीं किया। अमल को देखो तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता है। जब गुफ्तगू है ख्वाजा कलियर, ख्वाजा संजर, जब गुफ्तगू है वहां रोहित इरशाद, खरका खिलाफत,
तेरी मुरीदी, ऐसा मालूम होता है कि सारा सदर इस्लाम खत्म हो चुका, वो दौरे अव्वल खत्म हो चुका और अब जितनी कैफियत जज्ब है वो एक ऐसे रास्ते से आगे बढ़ रही है कि जहां हमने कहा हुजूर शरीयत के मुताल्लिक का जो जो हमको हमारे मुर्शिद कह दें, जो मुर्शिद कह दें, जो मौलाना रूम कह दें, जो शेख मोहियुद्दीन अरबी कह दें, मौलाना रूम शेख मोहियुद्दीन अरबी ये दोनों रूहानी असातेज़ा हैं डॉक्टर इकबाल के, और शेख मोहियुद्दीन अरबी का तो ये हाल है कि डॉक्टर इकबाल जब उनका तस्करा करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यकीनन अपने दिल ही दिल में अपने आप को ताहिर करते जाते होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूं, उस बुलंदी पर वो शख्स फायज है उनके शऊर में शेख मोहियुद्दीन अरबी। लेकिन जितना एहतराम अंदलुस ने शेख मोहियुद्दीन अरबी का किया, जितना एहतराम कोनिया ने मौलाना रूम का किया, जितना एहतराम हिंदुस्तान ने पीरान पीर का किया, जितना एहतराम आज मुसलमान काजे अजमीरी का करते हैं, वो यकीनन वो हस्तियां एहतराम के काबिल होंगी। मगर चूंकि बात आ रही है माजी से, हमको ये देखना है कि उनका एहतराम अब भी दिलों में है कि फकत रस्म है। सिर्फ फाइट देने के लिए है, सिर्फ झगड़ा मोल लेने के लिए है कि आपने सबका नाम लिया उनका नाम नहीं लिया। तो भाई आज सब जो नाम ले रहे हैं वो तो कुछ और है, वो तो कुछ और है, तारीख में माजी के तो वो नाम नजर नहीं आए, वो नाम नजर नहीं आए। और फिर आलम ये है कि ऐसी ऐसी अदाओं पर रक्स है, ऐसी ऐसी अदाओं पर कि दिल ही जानता है, और अगर वकार मेंबर माने ना होता तो वो तमाम अशार पढ़ के सुनाए जाते कि जहां एक कैफियत वश्तारी होती है। तो पता चला कि इस जज्ब की कैफियत को पैदा करने में या तो इन हस्तियों ने वाकई बड़ा हिस्सा लिया जिनका नाम आज जबाजद खासवाम है, या फिर ये कि इन हस्तियों ने किसी घराने से अपने इर्तबात को पेश किया, किसी घराने से अपने इर्तबात को पेश किया। वो घराना शाही का न था, वो घराना मुलुकियत का न था, वो घराना इख्तदारे वक्त का न था। उस घराने में कोई ऐसी बात थी कि जहां जाज़बियत थी, कि हमारा तो ताल्लुक उसी दर से, उसी घर से। औलिया का यह आलम है कि मुमकिन है कि, मुझे माफ करें आप, ये दो नाम ऐसे हैं, ये दो नाम ऐसे हैं कि जिसके मुताल्लिक बड़ी अथॉरिटी के साथ लिखने वालों ने लिखा, मगर मेरे लिए हैरानी है, मेरे लिए हैरानी है। और अगर वो मेरी हैरानी को दूर कर सकते हैं तो मैं यकीनन अपने आप को खजल पाऊंगा। इसलिए कि ख्वाजा मीरदर्द की जब सवान उमरी लिखी जा रही थी, और उसी तरह से बाबा ताजुद्दीन औलिया की जब सवान उम्री लिखी जा रही थी, तो दोनों की सवान उम्रियों में पहले मौके पर यह कह दिया गया कि ये दोनों इमाम हसन अस्करी के साहबजादे, इमाम हसन अस्करी की औलाद में है। तो अब आपने देखा, अब जाहिर है कि वो किस तरह से सिलसिला जा रहा है वो तो आप पे खुल गया, मगर इसे जज्ब वही तसव्वुर था कि उस घराने से हैं, उस घराने से कि जिस घराने में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हुई, और अब सब यहां जमा है, सब यहां जमा है। शरीयत भी, तरीकत भी, फकाहत भी, हिकमत भी, बयान भी, मानी भी, फलसफा भी, तसव्वुर भी, सब यहां जमा। उनके चश्मों अबरू की गर्दिश पर मुसलमान हरकत करने के लिए तैयार है। तो इस मंजिल पर पहुंचकर बे अख्तियार यह पता चला कि बदलते हुए जमाने जब अपने आप को तब्दीलियों से आजिज पाया, तो बदल बदल कर फिर उन नामों तक वो पहुंच गए कि जहां अदना और खैर की तमीज बाकी न रही,
और अब ऐसी मंजिल पर बड़े अपोलोजी के साथ सिर्फ ये कहना है कि ये सब नाम लिए गए ये इन्हीं अदवार के हैं। 600 हिजरी, 500 हिजरी, 700 हिजरी, 800 हिजरी, 661 हिजरी, ये इन्हीं अदवार के। पूछना ये है कि इन्हीं बुजुर्गों में से, इन्हीं बुजुर्गों में से अगर कोई बुजुर्ग आगे बढ़ जाए और फिर अपनी कुव्वत फैसला पर भरोसा करते हुए कोई एक ऐसी बात बतला दे कि जो फिर माजी पर असरअंदाज हो तो क्या मिल्लत कबूल करेगी? मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहा हूं मगर यकीनन सुनने वाले बहुत ऊंची सतह से मुझे सुन रहे हैं, यानी शेख मोहियुद्दीन अरबी मशहूर फलसफी है, बड़ा काबिल आदमी है, इसके कलम की कुव्वत का यह आलम है कि जब वो लिखता जाता है तो ऐसा मालूम होता है कि दरिया उबर रहे हैं। फुसूसुल हिकम, फुतूहात मक्की, तफसीर अकबर, तफसीर शेख अकबर, कुरान की तफसीर दो जिल्द और सूरह नबा की तफसीर, नबाएम कयामत है। सुन रहे हैं आप, शेख मोहियुद्दीन अरबी किताब मौजूद है, मिल्लत सुन ले, नबाए अजीम कयामत है और कयामत अली के लिए अभी तालिब है। मैं समझ नहीं सका, मैं समझ नहीं सका, न मेरी समझ में आया, न मेरी समझ में आया, मैं सिर्फ नकले कौल कर रहा हूं। मोहियुद्दीन अरबी तफसीर शेख अकबर जिल्द दुव्वुम नवाए अजीम की तफसीर, नवाए अजीम कयामत और कयामत अली इब्न अबी तालिब, और वो मकाम जमा बादल फसल का है, वो मकाम जमा बादल फसल का है, यानी जुदाई के बाद फिर विसाल, फिराक के बाद फिर इत्तेसाल, दूरी के बाद फिर कुर्बत, परेशानी के बाद एक जहती, परेशानी के बाद एक जहती, और इस इत्तेहाद की मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कयामत अली का नाम। बहुत से दोस्त जमा हैं, क्या ख्याल है दोस्तों का, क्या रद्द अमल है? जान पहचान वालों का क्या रद्द अमल है? नाम लेवा हजरात का क्या रद्द अमल है? मोहियुद्दीन अरबी के मुरीदों का क्या रद्द अमल है? अली का नाम कयामत है, कयामत नाम है अली का, रसूल मिंबर पर है, इरशाद फरमाते हैं कयामत के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हो, या सलू ने कहानी सा तुझसे पूछ रहे हैं कि कयामत क्या है, जवाब दे। इरशाद समय आपने खुद में आना साथ का हाथ है, ये कह के दोनों उंगलियों को मिला दिया कि मैं और कयामत साथ साथ हैं, मैं और कयामत साथ साथ है। वो अशारा इला असाब आए और इस तरह से इशारा किया अपनी दो उंगलियों की तरफ, मैं और कयामत साथ साथ है। अब आप जो माना लें, अब जहां जहां इनके साथ कयामत रही किसकी मजाल थी तो फिर सामने आता। तू कहा था वो अशारा इला असाबे है, अपनी दो उंगलियों की तरफ इशारा किया और कहा मैं और कयामत तो साथ साथ है। और जिसके साथ कयामत चल रही हो, ए किसी की मजाल जो मुकाबिल पर आए, फकत यही कहते हैं, यही कहते हैं इन हुआ इल्ला इसको निफ्तराहू वो आन हुआ अलैहि कौमुन आखरून, नाम नहीं लेते, कहते हैं कौम है जो मदद कर रही है, एक कौम है जो मदद कर रही है। हिजरत की रात बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, मुबाहले में, बरात की मंजिल पर जहां मुसीबत आए वो आगे है, नहीं कयामत है, कयामत है। भाई अब गुफ्तगू बसीत नहीं होनी चाहिए, कयामत है।
जिसमें हिसाब भी है, जिसमें मीजान भी है, जिसमें तौलने की कैफियत भी है, जिसमें जन्नत और जहन्नम की तकसीम भी है। मालूम नहीं इस मुख्तसर से वक्त में क्या कहा गया। जिम्मेदारी मोहियुद्दीन अरबी, जिम्मेदारी मोहियुद्दीन अरबी पर, मगर हदीस रसूल सही बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम में है, उसूल काफी में है, मनला यहजुर में है, हमारे पास की उसूल की किताबों में ये मुत्तफिक अलैह बयान है कि मैं और कयामत साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। अब किसी की हिम्मत है तो रोक ले, अब किसी की हिम्मत है तो रोक ले, इस कयामत को रोक ले, इस कयामत को रोक ले, इस हिसाब को रोक ले, इस मीजान को रोक ले, इस अता को रोक ले, इस महरूमी को रोक ले, इस तकसीम दोज़ख जन्नत को रोक ले, इस हौज़े कौसर की अता पर अता को रोक ले। जिसमें हिम्मत है अब रोक ले, अब यह कयामत साथ साथ है। जहां जहां हकीकत मोहम्मदिया है, नफ्स मोहम्मदी साथ है, जहां जहां नफ्स मोहम्मदिया कयामत कुबरा साथ है, वह कूफे में होके करबला में। मारिफत की इस मंजिल पर पहुंच गए, करबला कयामत है, मंजर कयामत है, तकसीम है, तकसीम अमल है, हिसाब है, एहतसाब है, मीजान है, करबला आराफ है। अब मैं कयामत के मुतालिक जितनी आयतों की तिलावत कर सकता हूं, मैं क्या करूं? कुरान के पढ़ने वाले खुद सोच रहे हों कि कयामत की क्या क्या सिफतें और कयामत कुबरा का क्या मकाम। एक मंजिल वो अलल आराफ है रिजालुन, कयामत में कुछ बुलंदियां होंगी, बुलंदियों पर मर्दाने खुदा होंगे। वो अलल आराफ है रिजालुन यारफून कुल्लन बसीमाहुम, एक एक की पेशानी को देख के पहचान लेंगे ये दोस्त है ये दुश्मन है, ये दोस्त है ये दुश्मन है। एक एक की पेशानी को देख के पहचान लेंगे। अब वो जमल हो तो सिफी मालिक अस्तर ने कहा अपने दिल में तलवार बराबर चल रही है, तलवार बराबर चल रही है। मुड़के का अकफर तबादल ईमान, ईमान के बाद काफिर हो गया है। तू रद वो याद इसको काट रहा है, मैं नस्लों में देख रहा हूं कि मेरा कौन है दूसरा। जमा लो के सिद्दीक करबला वही मंजिल हम पहचानते हैं, हम पहचानते हैं। बयात उठा ली तुम हमसे नहीं हो, जाओ तारीख ये शब है, चले जाओ। वही रहेंगे जिनके नाम सब थे हमारे, हम जानते हैं। वो अलल आराफ है रिजालुन, बुलंदियों पर मर्दाने खुदा है। देखिए ये मौजू अगर फैल जाए तो वहशत होने लगे कहां कहां कयामत है। और फिर एक अजीब मसला और इतना साफ मसला, वाज़ह मसला, जिसकी मौत आई वही कयामत, जिस जो मर जाए वही कयामत। एक और हदीस है, वाज़ह हदीस, आने वाली कयामत तो यकीनी है मगर जिसकी मौत आ जाए वही कयामत। और फिर जो मौत के करीब हो जाए वो कयामत को देखे, वो कयामत को देखे। और फिर जो इनके साथ इस कयामत के साथ उस कयामत मजाज को देखना चाहे तो हूरों को भी देखे, कौसर को भी देखे, अंबिया के इंतजार को भी देखे, औलिया के इंतजार को भी देखे, बेचैन भी हो जाए कि फर्जंद रसूल अब इजाजत दीजिए। गुफ्तगू खत्म हो गई। यही वो मंजिल है कि जहां मौत शहद है, यही वो मंजिल है कि जहां
लाश कासिम पर पहुंच गए। चचा ने पूछा, कैसा वजह तल मौत, कैसा पाया मौत का? चचा जाऊं अहला मिन अलास, शहद से ज्यादा शीरी पा। जवान बेटे से पूछा अली अकबर, मौत के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल? अर्ज किया, बाबा जो हक पर रहते हैं वो मौत से नहीं डरते, मौत इनको डरा नहीं सकती। इस मंजिल पर पहुंचकर मैं सिर्फ एक हवाला दे सकता हूं, पढ़ूंगा नहीं, सूरतुल अंबिया। सूरतुल अंबिया कयामत के दिन की तारीफ है, और का कयामत का दिन वो है कि जहां जहां الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك هم المبعدون, کہ جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کے گھیر لیتی ہیں وہ شور قیامت سے دور ہیں, وہ وحشت قیامت سے دور ہیں. وتتلقاهم الملائکہ, اور ملائکہ ملاقات ان سے کرتے ہیں. هذا يومكم الذي كنتم توعدون, گھبراتے کیوں ہو, یہ تمہارا ہی تو دن ہے. يومكم, یہ تمہارا ہی تو دن ہے. میں اس لفظ کی تشریح کے لیے آپ کے دماغ سے اپیل کروں, دنیا یوم مناتی ہے, یہ ان کا دن ہے, یہ ان کا دن ہے, یہ ان کا دن. سورۃ الانبیاء میں جن کو نیکیاں بھر کے گھیر لیتی ہے, ملائکہ ان سے مل کے کہتے ہیں قیامت یہ تمہارا دن ہے. هذا يومكم الذي كنتم توعدون, یہ تمہارا دن ہے. تمہارے لیے شور محشر کہاں ہے, تمہارے لیے وحشت محشر کہاں ہے؟ کچھ نہیں, سکون کا عالم, سکون کی دنیا. اور اس منزل پر پہنچ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ انہی کے لیے, سب کچھ انہی کے لیے. اور پھر اتنے قریب ہیں, اتنے نزدیک ہیں, جیسے جانی پہچانی ہوئی محفل ہے, جیسے پہچانے ہوئے راستے ہیں, جیسے دیکھا ہوا گھر ہے, جیسے کسی بلندی میں پہنچ کے دیکھا ہے محشر کو, جیسے معراج میں کسی نگاہ نے جانچا ہے محشر کو, جیسے بلندی پہ جا کے دیوار زمان و مکان گری ہے اور وہاں سے دیکھا ہے محشر کو, اس لیے محشر کا ان کو ڈر نہیں ہے. جانے پہچانے راستے ہیں, بار بار کہتے ہیں زہرا اب تک نہیں آئی, فاطمہ اب تک نہیں آئی. اب یہاں سے یہ چند جملے, اور پھر روایت صادق آل محمد, مقتل نہیں, امالی صدو صادق آل محمد, زہرا نہیں آئی. امیر المومنین نے عرض کیا, یقیناً آ رہی ہیں اور آیا ہی چاہتی ہیں, کیا اسے میں پھوری آنے کا, وہ سواری آئی. محشر میں مالک محشر آئی, وہ سواری آئی اور رسول تعظیم کو کھڑے ہو. میری تقریر کے اجزاء ترام میری آنکھوں کے سامنے ہیں. لولا ابنانا لولا نسانا, مامون نے کہا تھا اگر ابنانا نہ ہو, اگر نسانا نہ ہو. اب یہ سب انفسنا ہے, اب یہ سب انفسنا ہے. زہرا آئی, رسول تعظیم کو کھڑے ہو, فقط مسجد میں نہیں محشر میں. اور آگے بڑھ گئے, اس نور کے ناقے کے قریب سواری کو آتا ہوا دیکھ بیٹی نے پردہ محمل کو الٹ, اور بے اختیار دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں آنسو کھیل رہے. کہ بابا خدا آپ کی آنکھوں کو نہ رلائے, آج آپ کے رونے کا دن نہیں. فرمایا زہرا کیا کروں, کیا کروں, میرے چاہنے والے مصیبت میں ہیں, پریشان, حساب کی منزل ہے, روز عدل ہے, میزان نصب ہے. زہرا
कुछ सामान्य शिफात साथ है, जहरा कुछ सामान्य शिफात साथ है। यह आखिरी जुमला बेख्तियार का बाबा कफाना लिशफात यदान मक्तूअतान ने वलदी अल अब्बास। बाबा शफात के लिए काफी है मेरे लिए मेरे बेटे अब्बास के दो कटे हुए हाथ। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा एक हमको कामिलुल ईमान कर, हमारे हवाइज दीन और दुनियावी बदलाव, हमारे अमवात को दौड़ दे। एक मरतबा सूरह हम्द, तीन मरतबा सूरह इखलास।